रेडियो श्री 91.1 पर क्या हो जाता है कि आजकल इतनी सारी अफवाहें फैलने लग जाती हैं। लोग जानने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा जानकारी आ जाती है। हम लोग इंस्टाग्राम पर तो सोशल फिल्टर यूज करते हैं, बट रियल लाइफ में फिल्टरेशन की बहुत जरूरत है। और आजकल स्पेशली क्योंकि वैक्सीनेशन आ गया और महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की कमी है, एक सेकेंड में कोविन ऐप पर 500 का आता है और उसके बाद निकल जाता है। तो अब हमें कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। तभी मैंने सोचा कि आज एक ऐसे जनाब से मेरी आपकी मुलाकात करवाऊं। 23 इयर्स से ही इज इन प्रैक्टिस, मोर देन 900 पेशेंट्स। डॉक्टर जेकब, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। यू आर ए वन ऑफ द फॉरमोस्ट नेम्स विद डायबिटीज एंड यू नो पीपल्स कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन आपकी चल रही है। लोग जो डरे हुए हैं, डू यू थिंक कि अभी जो समय है पैनिक वाला सिचुएशन, अखबार में तो पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी पढ़ रहे हैं कि मुंबई में थोड़ा सा बेटर हो रहा है, क्या अभी भी पैनिक सिचुएशन काफी समय तक चलने वाला है, कुछ महीने और चलेगा? तो अनफॉर्चुनेटली जब पहले पैंडेमिक हुआ था उसके बाद एक फेज आया था जबकि केसेस काफी कम हो चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एज इंडियंस एज अ होल हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं की। तो फॉर एग्जाम्पल हमको, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे इंडस्ट्रीज को, एवरीबडी हैड टू कम टुगेदर। हमको शायद ये जो ड्रग अवेलेबिलिटी है उसको बेटर करना था, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है उसको बेटर करना था, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है ऑक्सीजन का उसको इम्प्रूव करके मेडिकल ऑक्सीजन का सप्लाई जो है उसको इम्प्रूव करना था। तो ये सारी चीजें हमने नहीं की। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट पब्लिक एजुकेशन जो है कोविड के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, एग्जैक्ट मेडिकल जानकारी जो होना चाहिए वो एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन मैनर में होना चाहिए था, विद अ गुड कोऑर्डिनेशन, जैसे गवर्नमेंट और मेडिकल जो जो एसोसिएशंस है सब मिलकर पब्लिक को एक अच्छी तरह से एजुकेट करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और जो एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स को मिल रहा है, पब्लिक को मिल रहा है, वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से ही मिल रहा है। एंड यू नो हाउ इट इज, जिसको जो मर्जी जो वो मीडिया में बोल दे, और ये सब नहीं हुआ। इसी वजह से हमको ये सेकेंड पैंडेमिक वेव हुआ है। एंड अगेन जो शहर में, जो सिटीज में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल होती है, तो जाहिर है कि वहीं पर केसेस मैक्सिमम पहले आ जाता है, एंड दैट इज वाई दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस आता है। और इसीलिए महाराष्ट्र स्टेट एंड दिल्ली स्टेट में ये पैंडेमिक का सेकेंड वेव एज वेल एज द फर्स्ट वेव जो है वो सबसे ज्यादा ये शहरों में हुआ। बट यही शहर से बट डॉक्टर जी का आई वांट टू आस्क वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो म्यूटेशन हो रहा है, जैसे लोग बोल रहे हैं सेकेंड सम अदर काइंड ऑफ वेरिएशन, बंगाल में तो बोल रहे हैं कि थ्री हेडेड कोई म्यूटेशन आ रहा है, तो इसमें मैंने लास्ट ईयर भी पूछा था एक डॉक्टर से कि एक बार अगर वैक्सीन आ जाए और नए नए ऐसे म्यूटेशन आएंगे, तो मुझे उस समय डॉक्टर ने बोला था कि एक बार बेसिक वैक्सीन बन जाए तो वो सारे म्यूटेशंस को हैंडल कर सकता है विद फ्यू एडजस्टमेंट्स हियर एंड देयर। लेकिन हम लोग तो हम लोग अभी इस फेज में है जहां पे हम लोग ने तो अभी पहला वाला वैक्सीन लेना शुरू किया है, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वेरिएशन। तो क्या होता है ना कि जो जैसे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में डेड इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, तो वो पूरा वायरस चेन होता है उसमें, और जो म्यूटेशंस होती है वो एक दो पॉइंट में होती है, मतलब जो पूरा वायरस की जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, जो न्यूक्लियोटाइड है, उसकी कोई एक दो न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस होगा, और वो चेंजेस जो है कुछ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स वो वायरस को देगा। लेकिन जो जैसे कोवैक्सीन है वो सारा का सारा डेड वैक्सीन जो है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वायरस से बना हुआ है, एंड इसीलिए एक पॉइंट में अगर म्यूटेशन होगा तो भी जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, बाकी के जो 95-98% जो वायरस वो तो सिमिलर ही रहेगा, और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सकेगा। एंड सो मोर लाइकली कि अगर म्यूटेशन भी आए तो थियोरेटिकली अगर म्यूटेशन भी आए तो वैक्सीन लाइक कोवैक्सीन व्हिच इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, डेड वायरस जो है वो उस पे काम करना चाहिए। और जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें उन लोग ने वो स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनता है,
एक एडिनो वायरस लिया जाता है, वो एडिनो वायरस का जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, उसके अंदर ये कोरोना वायरस की जीन डाला जाता है जो स्पाइक प्रोटीन बनाती है, और वो कोविशील्ड जो है हम इंजेक्शन करते हैं तो वो जो एडिनो वायरस है, आर्गो वायरस जो बोलते हैं, आर्गो वायरस चिंपैंजी वायरस है, वो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करता है और हमारे सेल्स फिर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये जो एंटीबॉडी है इसको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बोलता है, मतलब ये उस पोर्शन का बना हुआ है, वो स्पाइक प्रोटीन्स का बना हुआ है जो वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है। और अगर दूसरी तरफ दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हुआ हो तो जाहिर है कि ये जो न्यूट्रलाइजिंग पोर्शन है जहां पे एंटीबॉडीज बना है वो काट देगा उसे, तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही उसमें, और इसीलिए वो म्यूटेशन भी आए तो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो थियोरेटिकली ये काम करेगा और वैक्सीन माइट बी इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ द स्ट्रेन्स। One of the big questions before I speak at length, ये vaccinations के बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल है। हर किसी का ये सवाल था कि हमें ये बताया गया था कि अगर दो शॉट ले लिए और 15-20 दिन उसके बाद आप किसी भी तरह सुरक्षित रह जाए, तो मान लो कि एक महीना बाद आफ्टर सेकेंड शॉट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं है। Yes. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर किसी को माइल्ड हुआ है आफ्टर टू शॉट्स, कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की मौत हुई। सो माय क्वेश्चन इज कि अब क्या ये रियल फियर आ जाता है लोगों का, तो फिर लोगों को ये लगने लगता है कि क्या स्पुटनिक, फाइजर, मॉडर्ना ये सारे सब अलग अलग ही हैं क्या, और हमारे कोवैक्सीन और कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका जो है सब बहुत अलग है, तो जब तक हम लोग सारे शायद नहीं लेंगे तब तक वी आर नॉट सेफ। नो, दैट इज नॉट ट्रू। ऐसा होता है ना कि वैक्सीन जो है इवन इन ट्रायल्स, जो जैसे मैं कोविशील्ड का बताऊं उसके बारे में डेटा ज्यादा है क्योंकि वो एस्ट्राजेनिका ने बनाया है और उसका जो ट्रायल है ब्राजील में हुआ है, यूके में और यूएस में हुआ है, और अभी इंडिया में भी उसके ट्रायल्स हो रहे हैं। तो जो ब्राजील में जो ट्रायल हुआ उसकी जो एफिकेसी है वो 62% ऐसे आया था, सो इट इज डेफिनेटली नॉट 100%। ब्राजील के ट्रायल में 62% आया था एंड जो यूके के ट्रायल में 90% आया था, एंड समहाउ दोनों को जोड़ के इंडिया में ये फैल गया कि उसकी एफिकेसी 70% या 90% का 70%। सो वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट ये वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देगा। सेकेंडली एंटीबॉडीज तो बनेगा लेकिन अलग अलग लोगों में अलग प्रपोर्शंस में बनेगा। एंड थर्डली ये जो आप बता रहे हैं ना कि दो वैक्सीन के बाद बहुत सीवियर केसेस होता है, तो द प्रोटेक्शन जो एक्चुअल प्रोटेक्शन है दोनों वैक्सीन के 15-20 दिन बाद मिलता है। तो आप अगर एक वैक्सीन लो तो उसके 15 दिन के बाद कुछ एंटीबॉडीज बनने लगता है बॉडी में, तो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होगा। सेकेंड वैक्सीन के इमीडिएटली बाद अगर कोविड हो तो भी यू नो इट इज एज गुड एज की सेकेंड वैक्सीन हुआ ही नहीं, बिकॉज उसका जो इफेक्ट है वो और 10 दिन बाद होने वाला है। तो दोनों वैक्सीन के 15-20 दिन के बाद बॉडी के अंदर एक अच्छा इम्यूनिटी आता है, अच्छा एंटीबॉडी लेवल आता है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हमने जो केसेस देखे हैं जो दो वैक्सीन के 20 दिन बाद आते हैं वो काफी माइल्ड होता है। सो रिमेम्बर वन थिंग, वैक्सीन मे नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन होने से शायद हम नहीं बचेंगे लेकिन इन्फेक्शन की सीवियरिटी डेफिनेटली बहुत कम हो जाती है। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स में भी देखा गया है कि जो इन्फेक्शन होता है दो वैक्सीन के 20 दिन बाद उनमें से कोई भी केस इन एटलीस्ट इन क्लिनिकल ट्रायल आईसीयू तक नहीं पहुंचा है। Okay. So this thing as तो एक्चुअली जिनके साथ अगर डेथ तक भी पहुंचा आफ्टर टू, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना, इट कुड बी समथिंग एल्स जो हुआ है। नो, नॉट रियली। सपोज क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में वैक्सीन लाइन में बहुत लोग को कोविड हुआ है, दैट यू मस्ट रिमेम्बर। वैक्सीन के लाइन में पीपल जो एक एक साल घर से नहीं निकले थे वो अचानक वो भीड़ में घुस गए, और वैक्सीन के लाइन में कौन वैक्सीन लेने आया था, जिसके मन में बहुत डर था, और डर किसको था, जिसके फैमिली मेंबर्स को कोविड हुआ था। तो वही लाइन में जो बैठे थे उनको काफी लोगों को ऑलरेडी कोविड हो चुका था,
और वो एसिम्टोमेटिक थे, मतलब जो इनिशियल 2, 4, 5 दिन में काफी लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं होता है। नाउ इमेजिन एक 70 ईयर ओल्ड वो लाइन में बैठा हुआ है जो 1 साल से घर से निकला नहीं, और उसके बाजू में कोई है एसिम्टोमेटिक बट कोविड है उसको, बट वी डोंट नो। और ऐसे मैंने कई केसेस देखा है जिनको वैक्सीन आज लिया और वैक्सीन के वजह से 1-2 दिन बुखार हुआ और 4 दिन बाद से बुखार चालू ही रहा। दैट मींस उनको अराउंड द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन इटसेल्फ उनको वो इन्फेक्शन हो गई। नाउ दैट इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्ली नॉट एड्रेस प्रॉपरली, वो एड्रेस नहीं किया जा रहा है। अभी भी आप देखोगे तो वैक्सीन में लाइन काफी लगी रहती है। एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली समर टाइम, मे टाइम है, लोग पूरी तरह से मास्क ग्लव्स वगैरह नहीं पहन सकते और जाके ऐसे यू नो 2 घंटे लाइन में धूप में आप पूरी तरह से मास्क पहन के नहीं बैठ सकते। और इसीलिए क्या हो रहा है कि यू नो स्प्रेड ज्यादा हो रहा है लाइन में, हाँ लाइन में वैक्सीन हो रहा है। तो नाउ दैट यू कैनॉट एट्रीब्यूट टू द वैक्सीन, वैक्सीन के वजह से हुआ ऐसा नहीं बोल सकते हैं वो। एंड समहाउ देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स व्हिच इज सेइंग वैक्सीन से इम्यूनिटी कम होता है, तो ऐसा नहीं होता है। इम्यूनिटी डज नॉट डिक्रीज विद वैक्सीन, और वैक्सीन के जो इमीडिएटली बाद हुआ दैट इज नॉट रिलेटेड टू वैक्सीन, और फर्स्ट वैक्सीन में इतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो जब तक आपको एसेंशियली दूसरे वैक्सीन के 20 दिन के बाद ही थोड़ा सा वो ठीक रहेगा। दूसरे वैक्सीन के 20 दिन बाद जो प्रोटेक्शन मिलता है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैव शोन कि उसमें ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है जो बहुत सीवियर या वेंटिलेटर पे हो या जिसकी डेथ हो गई हो। मतलब इट रिड्यूसेस द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, सीवियरिटी काफी कम हो जाता है, और लेकिन इन्फेक्शन नहीं प्रिवेंट होता है। You know, at this time, मैं कुछ around 5-6 ऐसे लोगों से online consultation मेरा चालू है। उसमें से 2 लोग doctors भी है जिनको 2 वैक्सीन हो चुका है, 20 दिन हो चुका है, और वो घर पे बैठे हुए हैं। कोविड हुआ है लेकिन बहुत ही माइल्ड हुआ है, मानो उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं। बट द प्रॉब्लम इज दे कैन स्टिल स्प्रेड, मतलब अगर उनको कोविड हो माइल्ड भी हो तो उनको क्वारंटाइन तो रहना ही पड़ेगा, सेपरेट रहना ही पड़ेगा। बट इट्स लाइक वी माइट रिड्यूस डेथ टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड सपोज वैक्सीन जैसे ब्राजील में 60 एंड यूके में 90 हुआ, लेट्स एज्यूम इट इज 70% 75% इफेक्टिव, दैट इज ऑफ कोविशील्ड। नाउ कोवैक्सीन का एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला बट दे क्लेम टू बी 80%, दे क्लेम टू बी 80% इफेक्टिव। But what you must remember, दोनों की safety profile is very good, okay? Just 2 months ago, मैं मेरे ये lectures में मैं भी बोलता था कि you know कोवैक्सिन का safety profile मुझे काफी clear नहीं है, लेकिन today I can say the safety profile is good for both are pretty safe as vaccines, और efficacy can be controversial, you know. वो तो ठीक है, कोवैक्सिन थोड़ा बेटर है, कोविशील्ड बेटर है, व्हाटएवर। अब कोविशील्ड इंग्लैंड में 90% है, कोवैक्सिन इंडिया में 80% है, बट कोविशील्ड ब्राजील में 60% है। सो दैट इज वेरी डिबेटेबल। और जो फाइजर बायोनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन जो यूएस में मिल रहा है, दे क्लेम टू बी 92% इफेक्टिव इन दैट ट्रायल, बट यू नो वी कांट गेट देम क्योंकि वो -70 डिग्री में स्टोर करना पड़ता है वो वैक्सीन को। अच्छा, तो ये यही क्वेश्चन था कि हम लोग वो वाले क्यों नहीं ला पा रहे हैं, हमें बिकॉज प्राइसिंग तो वही होगी। नहीं, प्राइसिंग तो फाइजर ने और उन्होंने बहुत ज्यादा रखा है, आई थिंक $1,200 पर वैक्सीन, बट यूएस, यस यूएस गवर्नमेंट इज गिविंग देम, दैट वाज द इनिशियल थिंग, आई थिंक दे हैव गॉट इट डाउन, बट प्राइसिंग उनका ज्यादा है, बट यूएस गवर्नमेंट इज आई थिंक गिविंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट। But the problem with those vaccine is that उसको -70 degrees में store करना पड़ता है। Now, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, बॉम्बे में तो impossible हो। Normal refrigerator भी -70 नहीं होता है। Normal हमारा refrigerator भी ना -70। तो जो ठीक है, तो we'll have to stick to Covaxin and Covishield भारत में। Yes, and Covishield is a good vaccine. It has been tried internationally, and Covaxin is also a good vaccine. Safety profile definitely is good. Radio City!